How are you doing today? Good, Alhamdulillah, बताओ. Keep that to yourself, because आज जिनको हमने invite किया वो पाकिस्तान के नंबर वन स्टैंड कॉमेडियन है पाकिस्तान के इस वक्त नंबर वन होस्ट हैं। ही इज वन ऑफ my फेवरेट पीपल

मेरा किधर है <laughs> <laughs> उन्होंने बड़े सेलिब्रिटीज की भी बात की है <laughs> ये बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे थे तो आज हमारा ये वाला मग आया वरना हम लोग

और अभी कुछ दिनों पहले मैं एक शो किया हंसना मनाए कर ही रहा हूँ ऑल गोइंग है उसमें एक एपिसोड थी जिसमें हेलमेट के ऊपर मैं बता रहा था किसी गैस करवा रहा था हम करते हैं एक ऑब्जेक्ट एक रख देते हैं और गैस को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं उसे कहते हैं ना आप छू सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं ना इसको आप देख सकते हैं सूंघ भी नहीं सकते सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है कसोटी खेल सकते हैं सॉर्ट sort ऑफ of, और उससे आप गैस करेंगे कि ये ये ऑब्जेक्ट है मैं हिंट्स भी देता हूँ तो वो हेलमेट पड़ा हुआ था तो उन्होंने बोला भाई किस काम में आता है मैंने कहा जी प्रोटेक्शन के काम में आता है तो कहा जी इसको कौन इस्तेमाल करता है मैंने कहा ज़्यादातर मर्द इस्तेमाल करते हैं, है, हैं। आजकल खातिन में भी रुझान पैदा हो रहा है इसको इस्तेमाल करने का अब ये कोई वलगर बात नहीं थी मगर किसी को लगा कि यार इसमें कुछ है और वो भी मुझे नहीं लगा वो रिलीजियस एलिमेंट्स को लगा कि यार ये कोई गंदी बात कर रहे हैं टी के ऊपर हम्म तो आ, मैं बड़ा हैरान था कि यार इनको सब चीज़ें कैसे पता है इतनी सारी जो मैं मेरी नियत भी नहीं थी कि, किस बारे में बात हो रही है मुझे क्या पता मुझे क्या पता आप क्या कह रहे कि क्या कोशिश कर रहे हैं हेलमेट आ <laughs> <laughs> बात तो हेलमेट क्यों हो रही है आशिर तुम क्यों शर्मा रहे हो इतना तुम्हें कुछ समझ आ रही है हाशिर ने अपना तो आशे आशे को बंद कर लिया तरह से कह रहे फैला रही है सबको पहले से पता है अगर कोई गंदी बात भी है इसमें तो मैं फैला क्या रहा हूं पता तो है ही आई थिंक इट्स गुड आई थिंक इट्स गुड टू प्रमोट हां एग्जैक्टली 12% मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में

<laughs> क्योंकि लोगों का दिमाग बहुत छोटा है मसला ये है मैं चाह नहीं रहा था कि हम इतनी सीरियस बिगिनिंग करें लेकिन अभी हो ही गई है तो फिर थोड़ी सी से, से आप ठंडा नहीं 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 आप ठंडा क्या करना अब तो, <laughs> आप तो, आप तो आप नहीं ये आप नहीं कर सकते माहौल गर्म करेंगे यार मैं बताता हूँ क्यों ये पता नहीं क्यों हमारे यहाँ जो है ना ऐसा सोशल टेबूज इतने यूजलेस हैं फॉर एग्जांपल अब जैसे ये है फॉर एग्जांपल मैं हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो इससे पता नहीं क्यों बलकर ख्याल आता है पच्चीस करोड़ की आबादी है जाहिर बात है हम सबको काम आता है नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इंसान की कोई सीख कर नहीं करता ये काम ठीक है आ, किसी ने मैंने तो जी ऑक्सफोर्ड से सीखा है ऐसा तो नहीं होता ना यार, बच्चे को खाना खाना और ये हर जिंदा रहने वाली चीज को ये काम आता है खुद से आता है नेचुरल इंस्टिंग और ऐसा तो नहीं होता ना अपने बच्चे देखकर आप ख्याल आ जाओ बच्चा देख लिया मैंने अपना उफ याद है ऐसा तो नहीं होता ना यार तो हमको पता नहीं क्यों नाम सुनकर एफ आई में सेक्स सुनकर ही ऐसा लगता है कि ओह क्या कह दिया

आपको शायद इसलिए ज्यादा नोटिस होती है क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे बड़े हुए हैं या आपने ऐसी जगह पे एजुकेशन हासिल हाँ। किया जहाँ पे ये टॉपिक्स टैबू नहीं, नहीं है। है। जिनकी वजह से आपका दिमाग आ, आपका आपकी दिमाग की खिड़कियां खुली नहीं है हाँ। आपका दिमाग क्लोज नहीं है कि हाँ। आप ये नहीं सोचते नहीं होता ना यार

एजुकेट बस ये बता रहे हैं कि बच्चे परियां नहीं लाती yeah. yeah. इससे सीखें किसी बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता किसने सिखाया किसको किसने, किसी ने किसी को नहीं सिखाया यार। तो ये 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 चीजें अब पता नहीं क्यों टैबू हैं और अगर इसकी बारे में बात की जाए तो मुझे कहा जाता है कि बाहर से पैसा देकर भेजा गया इसको ताकि ये ये बातें आम कर दे टीवी पे कर रहा है ये बातें इससे क्या होगा कि लोगों के जहन क्रिएट होंगे अब ये बातें आम हो जाएंगी अच्छा इससे क्या होगा और बच्चे पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान में पच्चीस करोड़ तो ज्यादा है इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होने का रेट पाकिस्तान का है अलहमद तो यहां किसी को कोई सिखाया नहीं जा सकता यू ऑलरेडी नो इट बेटर देन आई डू वी वी वर वर डिस्कसिंग दिस यस्टरडे मैं अपने दोस्त ने चाय वगैरह पीने के आवा था सो आई वाज सिटिंग विद देम और हम लोग इसी तरह डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो बर्थ रेट है वो इट्स सो हाई दैट इट्स डेंजरसली हाई यानी कि आपके पास इतने इतना खाना खाने को पैसा नहीं है Uh, your country is quite literally defaulting right now. It doesn't have money. It's bankrupting, and you are just producing more and more children. And not just that, the scary thing केरी is इज के आप उन लोगों को एजुकेशन नहीं दे रहे हो hmm. हम लोग बहुत ओपन डिस्कशन कर रहे थे तो ओपन डिस्कशन इस तरह की होती है जिसमें कोई भी किसी को जज नहीं करता तो उसके अंदर एक ऐसी भी डिस्कशन हुई कि देर some सॉर्ट ऑफ अ प्लान in सेवेंटीज़ जो कि इंप्लीमेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर कि उन्होंने ये पूरा आ, जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान वाज 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 मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग लिबरल स्टेट इट इट मूविंग नहीं था वो जब हाँ. से बना था ना काफी लिबरल था हाँ. जब से बना था हाँ. आ, वो लिबरल्स का मुल्क था और लिबरल का मतलब ये नहीं था लादीन थे वो लोग yeah. वो लादीन लोग नहीं थे मगर वो जियो जी और जीनो दो की पॉलिसी पे थे हाँ. तो वो मामला था नाइनटीन लेट सिक्सटी तक इवन अर्ली अर्लीवेंटीज दुबई तो था नहीं एग्जिस्ट था मतलब मैप पे तो था मगर वहाँ पे कुछ और नहीं था तो लोग यहाँ लैंड करते थे कराची के अंदर जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो यहाँ लैंड करते थे क्योंकि वीज़ा वीजाज की जरूरत नहीं होती थी उस जमाने में तो वो यहाँ कराची में घूमते थे कराची दुबई था उस जमाने का लोग लबडन जाते थे कराची आते थे कायरो जाते थे तो ये था मामला था यहाँ डांस क्लब्स थे कसिनोज थे बार्स थे तो ये तो बहुत ओपन सोसाइटी थी मतलब तो मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सबको ये चाहिए लोग यहीं से पकड़ लेते हैं अच्छा इनको बाहर चाहिए यहाँ पर <laughs> तो डांस करना इनको को। जमाने में हाँ। हाँ। अच्छा उस जमाने में बहुत बड़े बड़े आलिम थे यहाँ पर जो जो जेनुअनली बहुत बड़े बड़े आलिम थे जिनसे लोग इंप्रेस होते थे लाखों की फॉलोइंग होती थी वो टीवी पे भी नहीं आते थे तब भी उनकी करोड़ों की फॉलोइंग लाखों की फॉलोइंग होती थी वो एग्जिस्ट करते थे उसी जमाने में और वो कोई ये नहीं कहते रहते थे बाहर को बंद कराओ वो कराओ वो कहते थे भाई जिस हमारी तरफ आना है 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 हम हम हमारे से सीखे hmm. बाकी जिसको करना करे तो तो वो Religion can't be forced हाँ। ऐसा नहीं you हो can't सकता हाँ। हाँ। तो फायदा ही क्या हुआ उसका कर रहा कोई लोग यही चीज डिस्कस कर रहे तो थे और वो करते करते मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार 70s के अंदर जो कराया फंडिंग कम करके यहां पे आ, मदरसे मदरसास की आ, जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और इसके पीछे मकसद यही था कि हम लोग अपने बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और आप लोग अपने बच्चे जो हैं वो आप लोग उनको यूनिवर्सिटीज़ ना जाने दो इन उनको आप सारी एजुकेशन एजुकेशनल कैपेसिटी जो मदरसे की है वो वही है ठीक है जो कि एक साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से इनफ़ नहीं है यानी कि ऑब्वियसली कुरानिक टीचिंग टीचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के जीने में आज के करने में आज जीने में वो आपको स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ से मिलती हैं तो उनकी फंडिंग रोक देना एक बहुत बड़ी ज्यादि थी जिसकी वजह से यू सी सो मेनी पीपल आउट ऑन द रोड्स शवी मैं इसमें इसको यहीं तक डिस्कस करेंगे जो मैं बात बोलने वाला हूँ फिर हम जाएंगे ना लाइफ लाइफ तो <laughs> हम, हम जिस, हम वो हमें अरबी में टू एलिमेंट्स होते हैं एक होता है रिलीजियस एलिमेंट जिसमें वर्शिप्स आती है किस तरह इबादत करनी है किस तरह आपने अपने को अल्लाह के लिए सामने सबमिट करना है दूसरा वे ऑफ लाइफ यानी जीना किस तरह उसमें इकोनॉमिक्स आती है बिजनेस डेवलपमेंट आती है में आपने जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन आते हैं जिसमें आपने आपका डिफेंस आता है ये ये सब सब कुरान का ये सब इस्लाम का ही पार्ट है ये सब इस, इस्लाम का ही हिस्सा है बिजनेस कैसे करना है आपने इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मैंटेन करने आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज क्या होंगी ये सब इस्लाम का कैसे है ये सब मदरसों में ही पढ़ाना चाहिए था मदरसे का मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए मदरसे का मतलब ये नहीं होता रिलीजियस इंस्टीट्यूट मदरसे का मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर मदरसा तो ये क्यों नहीं हुआ इस मुल्क में कि यार जिधर बीकन हाउस में या एल जी एस में या लम्स में दीन वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम नहीं था ना उस वो हुआ ये खुद ही सेपरेट कर दिया उसको कि यार मदरसे हैं तो इधर रिलीजियस एजुकेशन नहीं होती है नहीं है ना रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए दीनी एजुकेशन होनी चाहिए विच इंक्लूड्स बिजनेस एंड साइंटिफिक नॉलेज आप देखें ना वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की जितने प्लैनेट्स हैं मोस्ट ऑफ़ द जो जिसे कहते हैं प्लैनेट्स हैं उनके इस्लामिक नाम है

नहीं मेरा कहने का मकसद था जो हाँ। मदरसे जो उस वक्त उनको जिस तरह का समझ आ रहा था कि मदरसा किस तरह की आ, होना चाहिए जगह होना चाहिए है हाँ। या उस वक्त जिस तरह का था हाँ। उन्होंने इस चीज के ऊपर बैट किया कि इनको यहाँ पे लगा दो क्योंकि यहाँ पे इनको मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन तो नहीं मिलेगी ना नहीं मिलेगी आई आईटी डिपार्टमेंट तो इनका ग्रो नहीं करेगा ना आई मीन हाउ मच एक्सपोर्ट्स डू वी है थर्टी बिलियन डॉलर्स So, so मदरसे पढ़ा रहा उन दिनों में hmm. अब वो इस्लाम का एक हमारे यहाँ ठेकेदारी भी तो है ना अलहमदिल्ला hmm. वो उन्होंने कायम कर ली अब होता है कि वो फिर अब क्योंकि अगर आप आग किसी जगह के थाने हो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि हम यूट्यूब कंट्रोल कर रहे होते पाकिस्तान का कंट्रोल क्या कर रहे होते हम सबसे ज्यादा मशहूर होते हैं ना यूट्यूब का तो हम चाह रहे होते कि यार जो दूसरा कोई नई चीज लेकर आ रहा है ना उसको हम लेट डाउन करें डिमीन करें बी बीलटल कर दें हाँ। ताकि ये लगे कि यार ये तो उसको गुना करार दे दें ताकि हमारी कायम रहे मोनापली तो वो फिर उस तरह से एक वो शुरू हो गया कि यार वो इनसिक्योर हो गए कि अगर यहाँ पे हमने मॉडर्न एजुकेशन शुरू कर दी तो हमारी वैल्यू नहीं रह जाएगी क्योंकि हमें तो आती नहीं है के हम लोगों में, लोगो में डिवाइड कर दिया है ना कि ये आपको जो बीकन हाउस है वो आपको दुनियावी चीजें बताएगा आपको वो बताएगा लेकिन जो मद्रसाज इस्लाम वो आपको बिजनेस एवरी थिंग दैट Is is exactly ah, really. वर्ल्ड वो बात बिल्कुल सही है और आप अक्सर मौलानाओं को यह समझ कहते हुए देखते हो कि क्या, क्या कर रही है ah. you know ah. I mean? आखिरत का सोचो क्योंकि दीन आपको ah. वहां पे दुनिया दुनिया दीन और दुनिया अलग अलग दो कॉन्सेप्ट करके बेचे जाते हैं हम आओ बेच रहे हमें समझ में आ गई ना ये क्या हम अपनी खुद प्रैक्टिस कर लेंगे मेरा है है हाँ, हम हाँ. खुद कर लेंगे बोलना दुनिया वाले कहेंगे यार आप भी तो बातें ही कर रहे हो कर नहीं रहे हो तो हम, हम पहले कर लेंगे प्रैक्टिस पहले हम, <laughs> तो हम सही बता आपको बताते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग

डकी आया हुआ था तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार आ, काफी हालात खराब हैं तो डक्की और मैं इस बारे में ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि यार यू नो वी देर शुड बी अ बैकअप प्लान जिस इंसान की भी फैमिली होती है उसको सिक्योरिटी सबसे पहले चाहिए सब होती, सब होती है शुड बी अ तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे यार नहीं यार कहीं लोग जाच ना करें यार ये ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमें थोड़े बहुत एडिट आउट करने आ, पड़ेंगे आ, लोगों को ये नहीं लगे कि कह, कहीं हमें खुदाना खासा कोई एंटी नेशनलिस्टिक मूवमेंट कोई चलाने की कोशिश छोटी सी रहा तो, बात इतनी बड़ी करके बतानी पड़ती है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स क्लियर करो या अपना बताओ कि यार मेरा परस्पेक्टिव ये था ताकि लोग उसको गलत जज ना कर लें अपनी मर्जी क्योंकि हर कोई उस तरह जज कर रहा है जिस तरह वो परसीव कर रहा था कि यार ये गंदा बंदा यही बात कर रहा होगा यार

मैं भी उनको नोट करता रहा तो मेरी वाइफ ने फिर उनसे पूछ लिया कि मैं इधर आके बैठ जाऊं ताकि आप आराम से तसल्ली तो से, तो से देख तसल्ली से देख लो तो नहीं आया हो गए अभी उनका उधर कुछ और था, था नहीं ना पीछे दीवार थी और कुछ टीवी लगा होता बाहर <laughs> लगा होता कुछ होता तो उनको एड्रेस किया उधर ही तो वहां पर ऐसा होता है कभी कभी आपको चाहिए होते हैं ऐसी जगह पे खड़े हो अब मेरे लिए मैं रोड पे चलने का बहुत शौकीन हूँ अक्सर ऐसा होता है मैं रहता है इसी जगह गुलबर्ग में लिबर्टी के पास कि इमरान साहब इमरान खान साहब के साथ अच्छा होता है तब भी लोग वहीं जमा होते हैं बुरा होता है तब भी लोग भी <laughs> और इस मुल्क में हाँ इस मुल्क में सिर्फ दो चीजें होती है साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा, या होता, है। बुरा होता है या मैच हो रहा होता है पर हाँ। रश तो हम हर बार फंस जाते हैं हाँ। तो अब ड्राइवर आता है तो मैं उसको कहता हूँ मुझे यहीं उतार दो तो मैं घर चला जाऊँ अभी खान साहब का जलसा हो रहा था मैं अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेटली जियो पे काम करता हूँ तो वहां पर मैं जलसे अब वो उतर गया मैंने अब मुझे याद नहीं रहा कि मैं टीवी पे आता हूँ मुझे लोग जानते होंगे मैं उतर गया वहाँ पर मैंने कहा पैदल चला जाऊंगा वरना तो एक घंटा लग जाएगा अब मैं जा रहा हूँ पैदल पीछे से आवाज ओ आनाश फिर तो मुझे ख्याल है इमरान खान का जलसा है ये तो मैं जियो पे काम करता हूँ <laughs> ओ माय गॉड मैं भागना शुरू हो गया मैं डर के भागना शुरू हो <laughs> गया मैं आवाज़ भाई तस्वीर चाहिए तस्वीर तस्वीर चाहिए अच्छा। सॉरी भाई मैं समझा मारने आ रहे हो दी उनको तो ये दो चार चीजें मैं करता इसीलिए मैं हर एक दो महीने बाद वापस जाके रीसेट होता हूँ एकदम अकेला रहता हूँ ज्यादा मिलता मिलाता नहीं निकल जाता अकेले फिर वापस आता हूँ तो फिर मैं वापस वहाँ पे वैसे ही आ, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है और अक्सर अपनी बेगम को बता रहा था क्योंकि ये इसको बहुत शौक है, आ, मैंने कहा यार कनेडा वो का अच्छा आसमान देखो तुम देखो बड़ी बड़ी चीजें नजर आ रही है, कहीं भी भी नहीं है। मुझे वो पहाड़ नजर आ रहा है वो हाथी नजर आ रहा है वहाँ पे वो देखो वो कोई ये नजर प्रिंसेस नजर आ रही है बादलों की वो पाकिस्तान में तो बादल में सस्ती चीजें नजर आ रही है वो देखो एक

मगर आप अपना शहर अपना घर छोड़ के जाते हैं तो मेरा शहर मेरा घर कराची था मेरी सारी रूट्स वहीं थी मैं वहाँ का एक एक इलाका देखा हुआ था वहाँ पिटा हुआ था वहाँ पे पुलिस भुगती हुई थी वहां पे फायरिंग भुगती हुई थी और मैंने कराची को उस जमाने में देखा है जब वहाँ कर्फ्यू लगते थे आ, पुराना आदमी हूँ मैं आ, मैंने कराची में हुसैन को देखा है भी? आ, मैंने है कराची है भी? में हुए हुसैन का जलसा देखा हुआ है नहीं मुझे मेरी याद है क्योंकि पे तो ये नहीं कहता था, था कि वो आईडी कार्ड ले जाते थे और कहते था से आके ले लेना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था ये... बनाई भी होगा देखो होता ये कि ये किसी को कह दिया होगा यार हर पार्टी ये करती होगी ना अपने कारकुनों को बोलती होगी यार जलसे में लोग लाने भाई जाहिर बात है ये तो एक पॉलिटिकल मसला है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता दुनिया भर में होता है वो कहते हैं कि अब रैली हो रही है तो लोग लॉबिंग करते हैं लोग लाने भाई लो लाने यहाँ पे भी होता था आ, लेकिन फोर्सफुली नहीं होता फोर्सफुली तो हाँ। वा, अमेरिका व अमेरिका में तो फोर्सफुली नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं हो सकती ना यहाँ पर यह जरूर होता था कि यार आठ लोग सही से ले आए तो दो लोगों ने कहा बदमाशी दिखानी है इलाके में बदमाश तो नहीं नीचे का आदमी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अब खान साहब तो नहीं चाहते होंगे ना कि उनकी पार्टी की वन ईयर या एनिवर्सरी हो रही है उसमें केक कटे और सब टूट पड़े उसके ऊपर मगर वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते क्योंकि नीचे के लोग जहरी बातें आम माससेज होते हैं उनके अंदर वो वाली वो फिनिश नहीं होती जो ऊपर वाले कारकुनों में होती होगी या लोगों में होती होगी तो लेकिन हैविंग सेट दैट पाकिस्तान में किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए जो ज़माने में जलसे कवर करता हो पाकिस्तान के अंदर एम क्यू एम से ज्यादा ऑर्गेनाइज कोई नहीं करता है वहां पर कोई आज तक की शिकायत नहीं आई कुछ कहना चाह रही कहने लगी थी कि उनका जिस तरह बैठने का सबका एक तरीका होता था जिस तरह वो सारे बैठे होते थे जूस का उनका बैठे पड़ा होगा तो उस वो पड़ा होगा आज बातें क्या करनी है ऑर्गेनाइज एक खातून की नहीं एक किसी ये नहीं होगा कि किसी के ऊपर कोई चढ़ गया

लीड कर रहे हैं आपने देखा वो एसेंट्रिक से होते हैं वो भी थे और शुरू की अगर आप फॉलो करें अगर आप किसी के बारे में ओपिनियन कायम करें तो देखेंगे यार स्टार्ट कहाँ से किया बिल्कुल ऐसा लगता लगेगा आपको कि वो नाइनटीन के खान साहब थे वही वाली बातें उतना ही खुला बोलना और फिर वो ज़ाहरी बात है उनको फिर जब उनके पीछे लोग लग गए पैरानोया हो गया उनको कि भाई कभी भी मारा जा वो लंदन भाग गए वहाँ पे फिर जब कोई बाहर चला जाता है तो यहाँ के लोग सर आप आना नहीं आप लग जाएंगे

Uh, मैं मैंने ये नोटिस किया एक्चुअली कराची के जो लोग हैं ना मैं उनको समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं गए थे इन जनरल अब कराची में कराची के लोग नहीं रहते यार मैं जब भी गया हूँ ना कराची में मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस हाँ, है अब कराची मैं क्योंकि वहाँ कराची में पला हूं ना मुझे ऐसे दोनों टाइम्स देखे हुए होंगे ना अभी वाला भी और पहले वाला कराची में कराची के लोग नहीं रहते कोविड में जब बहुत पीक पे था तो सब अपने अपने गाँवों चले गए थे कराची खाली हो गया था अच्छा कराची में मोबाइल चोरी भी नहीं हो रहे थे अब तो MKM नहीं रहती ना वो क्राइम रेट स्ट्रीट रहतेट बहुत, बहुत कम हो गया था सब स्ट्रीट क्राइम बाहर से हो रहा था अब लोग कहेंगे कराची या आपके बाप का थोड़ी है कराची किसी का थोड़ी है यार हर शहर में उस शहर के ओरिजिनल लोग तो रहते हैं ना हाँ। क्योंकि बुरी बात तो नहीं है न्यूयॉर्क में भी तो रहते हैं ना न्यूयॉर्कर्स की और शिकागो वालों की लगती है आपस में हो गया शिकागो बड़ा शहर है न्यूयॉर्क बड़ा शहर लगती है ना न्यूयॉर्कर्स पूरे हर कोई अपने शहर के बारे में पैसे सिर्फ होता है और ये दुनिया में होता है सही है ये इसका मजाक उड़ाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं मैं बोलता हूँ कराची कराची वालों का शहर था इसमें कोई बुरी बात नहीं हम इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है या लाहौर मेरा शहर नहीं है पूरा मुल्क, है, मुल्क लेकिन आपको यार पूरा कराची अच्छा लगता है मगर मुझे अपना इलाका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कराची में अब लोग बोलेंगे यार फिर सब रेसिस्ट आदमी है लेकिन आपको जहाँ आप रहते हैं उस जगह से एक उसकी एक ओनरशिप लेते हैं अटैचमेंट होती है आप बोलते हैं यार ये मेरा शहर है और आपको बुरा लगता है जब कोई और कहीं से आए और आपसे बदमाशी दिखाना शुरू कर दे आपके मोहल्ले में कोई तीसरे मोहल्ले का लड़का आए और आपको बदमाशी दिखा के चला जाए आपकी ईगो हट होगी ना यार आपको बुरा लगेगा hmm. इसका मतलब ये तो नहीं आप बोले कोई आएगा ही नहीं आप जेनोफोबिया hmm. हो गया आपको ऐसा नहीं है मगर वहाँ पर क्योंकि वो पोर्ट सिटी है वहाँ पर अपर्चुनिटीज कमाने की बहुत ज्यादा है वहाँ पर दुनिया भर से लोग पाकिस्तान भर से लोग आते हैं हर पोर्ट सिटी में ऐसा होता है मगर पोर्ट सिटी को फिर उस तरह रखा भी जाता है उसको उस तरह रखा जाता है कि यार यहाँ से कमाया जाता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है कराची कराची नॉट आफ्टर एट ऑल इट इज द ओनली सिटी इन पाकिस्तान इज सेल्फ सस्टेनेबल

जो भी गवर्नमेंट बनती है लाहौर में सबसे लाहौर में भी लाहौर से भी उसी को वोट पड़े होते हैं फॉर एग्जाम्पल पी एम एल एन की अगर गवर्नमेंट बनी है तो लाहौर से भी पी एम एल एन को वोट पड़े होंगे पंजाब से भी पी एम एल एन को ही वोट पड़े होंगे कराची और सिंध में ऐसा होता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी जीत जाती है मगर कराची से एक वोट भी नहीं पड़ता उनको जब उनको वोट नहीं पड़ता तो कराची में काम भी नहीं करते आ... तो चिकन और एक सिचुएशन है उनके लिए उनको वो चाहिए कि भाई काम कर दें कराची वाले अब इतने भूखे हो चुके हैं इतने तड़प चुके हैं कि अगर वहाँ पर आके कोई Uh, मतलब मैं कहता हूँ अमेरिकन कांग्रेस भी काम करके चली जाएगी ना तो हम कराची वाले उसको वोट दे देंगे यार यार सही है 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 ठीक आपने काम काम बस कर हाँ। तो वो पता हाँ। पता नहीं यार, क्या है? मुझे नहीं क्या मुझे इट्स लाइक एन चाइल्ड राइट नाउ लेकिन कनाडा से वापस आए क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी थी नेशनल टीवी पर आने की

ये पचास साठ हज़ार रुपये के स्टैंड अप करता रहता उस जमा अभी भी एवरेज एक स्टैंड अपीडियन में जो स्टार्ट करता है तीस पैंतीस हज़ार रुपये एक गिग से मिलते होंगे जो हम बड़े होते उनका तो जारी बात अलग होता है मामला लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी पैसों की तो इसलिए कर लेकिन जहाँ मैं करता था ना वहाँ पर आए हुए होते थे काम के लोग ये आए हुए हैं वो डायरेक्टर हैं वो वो हैं वो प्रोड्यूसर हैं तो वो देखते थे यार ये कौन है लड़का और मैं क्योंकि होता ही था, पूरी क्राउड से थोड़ा सा बात करता हूँ तो अक्सर वो पिस भी जाते थे मेरे हाथों से तो कहते थे यार ये पता नहीं कौन है तो बुलाते थे कि यार हमसे मिलो और फिर मैं जाता था क्योंकि मेरे पास नौकरी थी और मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं थी तो बात भी ऐसे करता था जैसे कि मैं ही बड़ा स्टार हूँ करूंगा करूंगा नहीं तो सीरियसली ऐसे ही था भाई हाँ यार अब वो तो क्यों करूँगा मुझे खुद मैं ये ये नौकरी छोड़ के आपके पास और इससे तो परेशान रहते थे मगर कहते थे तो करो ना यार फिर हुआ ऐसे क्योंकि मैं खुद नौकरी करता था तो किसी कंपनी में अपनी कंपनी में तो मैं ही फ्री ऑफ चार्ज करना पड़ता था मुझे जिस कंपनी में हमारा एनुअल है तो कोई कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में गया तो वहां जाके खबर फैलाता था यार वो तबेश जो है ना ओ उसको बुला लो तो मैं बगैर मशहूर हुए कॉर्पोरेट डिक्स कर रहा था पैसे भी ठीक ठाक बनना शुरू हो गए इसके साइड पर इवेंचुअली हुआ ये कि कैनेडा की इमिग्रेशन अप्लाई हुई तो टी वी पर काम करना मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं डिजिटल मीडिया पे या कैमरे के सामने या कोई एक्टिंग या कोई शो नथिंग लाइक दैट मुझे मशहूर होने का को कोई शौक नहीं था लेकिन क्योंकि मैं शरारती था तो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई शरारती था स्कूल में भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था, था तो ना चाहने के बावजूद ना जानना पहचाना रहता था मैं अबे वो ताबि जा रहा है वो ताबि जा रहा है ये मेरी विलिंगनेस नहीं थी कि मैं मशहूर आदमी बनूँ अब जब कनाडा जाने लगा तो मुझे असफर भाई हैं असफर अली जिन्होंने सब सेट है बनाया था आदो आप मानी असफर के नाम से मैं <laughs> मशहूर तो असफर भाई बहुत बड़े प्रोड्यूसर उन्होंने कहा कि यार अब तुम जा रहे हो जाते जाते, जाते बस एक ये शो कर जाओ तीन दिन में कर लेंगे छः एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे और पता भी नहीं चलेगा ठीक है कर लेंगे शो टू बी ऑनेस्ट सीजन वन सीज़न वन कोई पता नहीं था किसके क्या करना है सर कह लगे बस कर लेंगे कुछ नहीं करना तुम्हें तुम तो टेंशन नहीं लो ठीक है अब वो इतने फास्ट पेस्ड आदमी है ना अगले दिन ही कहने लगे आज वो तस्वीरें खिंचवानी है शो के लिए मैं गया तस्वीरें तस्वीरें खिंचवाएंगे आज तक रिलीज नहीं हुई अच्छा उसमें इतना असर भाई का ये है कि वो एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट करते हैं कि उसमें कोई ये नहीं होता कॉस्ट्यूम आएगी तो डिज़ाइन होगी अपने पैंटे लिया दो पैंटे लिया दो पैंटे लिया यहाँ से दो शर्टें कर लेंगे ये करें वो तस्वीरें सब सब हो गया बस एक हंगामी सूरत हाल कहने लगे अगले दिन शूट है तुम पहुंच जितने सूट हैं जितने कोट हैं जितनी शर्ट सब ले आओ भाई किस किस्म का शूट हो रहा है ले ओ, ले आओ आओ पहुंच गए मैंने किसके साथ जी आयशा उमर के साथ है पहला आयशा उमर मैं मेरे जैसे आदमी के लिए आयशा उमर मेरे साथ एक बार फ्लाइट में बैठी थी वो उस विंडो सीट पे थी मैं आइल सीट पे था बीच में कोई नहीं था और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे कह सकूं मुझे सेल्फी चाहिए मैं उस वहां से आ रहा था मैं अच्छा ठीक है और अब मेरा पहला फैन बॉय टाइप फैन बॉय भी क्या वो मतलब थी पता थी भी, भी मैं था मैं तो भी हाँ। पता तो था आयशा हाँ। हाँ। तो लेकिन ये हिम्मत नहीं थी कि एक्सक्यूज मैं मैं एक तस्वीर वो तस्वीरें लेता भी नहीं वैसे लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी अब मैं उनका आयशा उम्र मैंने कहा है आयशा उमर अश्वर भाई क्या बात करूंगा कर लोगे तुम तो फिक्र नहीं करो टेंशन नहीं लो ये दस बारह सवाल देखो वो बारह सवाल ऐसे थे क्या पसंद है वो जो होते हैं ना टिपिकल मैंने कहा यार ये क्या पूछूंगा मैं ये सवाल क्या करूंगा मैं क्या बोल देंगी ये है खुद ही जवाब भी आप सोचते हैं ना इसका क्या देंगी वो इससे क्या मजा आएगा यार चले यार ठीक है कर लेंगे आयशा उमर तो देखेंगी <laughs> ये तो सोचा ना मैंने अभी तो करूं बैठूं तो सही जाके तो वो आयशा उमर के करीब बैठ जाएंगे थोड़ा सा परफ्यूम नहीं मुझे वाकई में यार आप यार आप यार, आप यार, आप बताओ जो, जो वैक्सीन लगाना है <laughs> तो, तो, तो तो उसका कि अब मैं अपने खुद की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ताबे हाशमी की कॉस्ट्यूम लेकर जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ चीखों की आवाज़ आने क्या, बारा? बारा, क्या हो गया क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो गया <laughs>

अब वो आयशा के साथ खैर मैं तो बोल ही नहीं पाया मैं आया और समझ गुजर गया समझी कि किसी की कॉस्ट्यूम ड्रॉप करने आए स्पॉट बॉय आपने कहा मैं ऐसी ठीक मुझे तो ना, पार ना, पार ना कुछ समझना अच्छा इवेंचुअली क्या हुआ मैं वो तैयार होती रही मैं भी सूट वूट पहन के तैयार हो गया अब मैं उसी मेकअप रूम में था मैंने कहा चलो यार ठीक है अब मैं बात असर भाई ने मुझे भेजा अंदर जाओ और कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करो यार कुछ बात तो करो करो आइस ब्रेक थोड़ी इजी हो अंदर गया मैंने सूट वूट जेल बैग कर लेते बाल अपने तरफ से मैं अपने आप को हीरो समझ रहा था मगर एक सेलिब्रिटी की नज़र से ना अगर वो मुझे पलट के देखती हैं अगर मैं उनकी आयस से अपने आप को देखता तो मैं किसी केटरिंग कंपनी का ना मैनेजर लग रहा था <laughs> अभी शायद मैं ऑर्डर लूंगा इनसे या मैडम चाय कॉफी पिएंगी डाइट कोक इस तरह कुछ तो जूस 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 राहुल एबीसी एबीसी तो हुआ ये कि वो मैंने ना

इतने शोस कर चुका था मैं कि उस उस आ, स्टेज को पाँव छूते हैं ना तो कुछ हो जाता है बिजली <laughs> सुन लिया स्टेज सुन लिया ठीक <laughs> है सुन लिया अब तो करना पड़ेगा <laughs> मेरे को <laughs> वो हम मेरे को जाना <laughs> था था था। <laughs> तो वो ऐसा स्टेज सुन के ना एकदम फिर वो खुला मजा आया और ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा शो हुआ इतना अच्छा हुआ कि जब शो खत्म हो गया तो आयशा उमर बैक स्टेज जाके मुझे ढूंढ रही नहीं ताबिश कहें ताबिश कहें

तो मैं ये ऐसा, ऐसा, नहीं मजाक कर रहा वी लव आयशा अमर बाय द वे शी इज कूल आई 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 पर्सनली वेरी कूल बहुत अच्छी लगती है मुझे शी इज रियली कूल अच्छा उनमें कूलनेस सूट करती है कुछ लोग होते हैं, कूल होते हैं सूट नहीं करते hmm.

मानी के साथ की आया आहना अलताफ़ के साथ की सबूर के साथ की उसमें से सब एपिसोड में से कुछ ना कुछ बहुत वायरल गया अच्छा ये रिलीज हुआ मुझे एहसास था कि मैं दिसंबर में रिकॉर्ड किया था जनवरी दिसंबर में रिकॉर्ड किया था इनफैक्ट आखिरी एपिसोड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर को रिकॉर्ड की थी टू थाउजेंड एटीन में और फिर मार्च में मुझे कनाडा जाना था माइग्रेट uh, करना था तो मैंने कहा कि भाई मैं हो सकता है कि uh, ये पहले रिलीज़ हो जाए और मुझे एहसास था ये हिट हो जाएगा कुछ था अंदर से ना ये हिट होगा ये हिट होगा मैंने कहा जल्दी रिलीज़ होगा तो ये हिट हो जाएगा और फिर मैं नहीं जाऊँगा थोड़े दिनों बाद जाऊँगा और कुछ करूँगा ये करूँगा पैसे कमाऊँगा तो वो रिलीज़ नहीं हुआ वो मेरे कनाडा जाने के भी कोई नौ महीने बाद रिलीज़ हुआ और अब वो स्टेल हो चुका था मेरे पर्सपेक्टिव से वो था कि अब यार ये पुराने जोक्स किसी इरफान की शादी हो चुकी है तो सबूर का ये हो चुका है तो उनका ये हो चुका है क्या होगा क्या नहीं होगा मगर वो जब रिलीज़ होना शुरू हुआ ना तो वो हर एपिसोड कुछ ना कुछ वायरल होती चली गई मेरे उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा क्यों मैं तो गई हां हां आप तो वो वायरल होते चली गई और फिर वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा यार ताबि वापस आना पड़ेगा सीजन 2 रिकॉर्ड करना है मैंने कहा भाई मैं तो नौकरी करता हूं और यहां तो दो हफ्ते की छुट्टी मिलती है <coughs> तो ऐसा है कि वापस आना है दो हफ्ते में करना है जो करना है उनका हां हां दो हफ्ते में करेंगे तो मैं वापस आया 9 दिन के लिए और फिर हमने 12 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए 4 दिन में हो थ्री अडे शर्ट और मैंने मैंने चार एपिसोड्स पर डे भी रिकॉर्ड किए हैं टू बी ऑनिस्टली आ, बस ऐसा लगा वो कसाई नहीं होता बकरी वाले दिन हाँ जानवर लवर जानवर आते गाटो। के गिरते लेकिन कैसे है था भाई और क्योंकि अनस्क्रिप्टेड होता था ना स्क्रिप्ट हाँ. लिखते नहीं थे आ, और बहुत सारी बार ऐसा हुआ गेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता मतलब नाम पता है कि ये मशहूर आदमी है मगर मैं टीवी देखता नहीं था फिल्म मैंने देखी नहीं थी तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था किसका किसका नहीं पता था यार मुझे तो किसी का भी अंदाजा नहीं था आप किसी का भी नाम लेते मुझे कुछ पता नहीं था मुझे ये पता था जैसे सनम जंग आई मुझे पता था मॉर्निंग शो में आती हैं ये उसके अलावा कुछ पता नहीं था अब जैसे वो वो आई अब इसमें से मैं वो होता है जब मैं तैयार हो रहा होता ना क्योंकि चार गेस्ट आ रहे हैं तो ये होता है की कुछ टाइम ही नहीं होता बीच में आप एक कपड़े उतारे दूसरे पहन रहे इसी दौरान वो कोई मुझे बता रहा होता है ड्रामा किया हुआ ये किया मैं फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ना नाम लेके ड्रामों के काम के ऐसा शो कर देता हूँ कि मुझे तो बहुत पता, पता। है रिसर्च करके बैठा सब जानता हूँ मैं फिर मैं उनको जेनेरिक बातों पे लगा देता हूँ फिर वो जोक्स उनके सवालों से जवाबों से बन जाते हैं तो इसलिए वो डेढ़ डेढ़ घंटे -डे में जानवर गिर रहा था <laughs> किसी गैस को मैं जानवर नहीं कह रहा मगर <laughs>

में सब ये बहुत टेंशन रहती है आ, क्योंकि मुझे अब जो मैं हंसना मनाए कर रहा हूँ महीने में तीन हफ्ते में तीन करने हुँ. और हर हफ्ते करने अब चार करने इनफैक्ट uh, क्योंकि ऐड मिल रहे हैं तो <laughs> <laughs>

यंग हैं बीस इक्कीस बाईस साल रिस्पेक्टिवली uh, और नहीं बाईस से सब तीनों ऊपर हैं लीगल हैं बेरली लेकिन <laughs> तीनों जो हैं वो इंजीनियर्स हैं पढ़े लिखे लड़के हैं सी ए हैं ऑल उनको उनकी डिजिटल गेम बहुत स्ट्रॉग है उनको पता है आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में क्या है उनका जो मिसिंग एलिमेंट है वो ये करंट अफेयर्स पर शायद दस्तरस हासिल नहीं है कि पॉलिटिकल <laughs> उसमें क्या चल रहा है एनऑल उसके लिए अलग बंदे हैं समी भाई वो सीनियर हैं जियो मैन ऑल वो क्या कर रहे हैं कि वो सेगमेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चे बैठ के कि हमें आज गेस्ट के साथ क्या गेम्स खेलनी चाहिए इस गेम से क्या निकलेगा इसमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन जो आप हंसना मनाए देख रहे हैं उसमें जो बैटर देख रहे हैं या मेरे सवालों के बाद रिएक्शंस देख रहे हैं वो कोई स्क्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उसी वक्त देने स्पॉन्टेनियस लगें होंगे तभी लगेंगे भी तो वो नहीं लिख सकता वो लिखता कोई Uh, इसलिए हमारे पास एंट्रीज थी शुरू में जिस तरह बनानी पड़ती है एक, एक और इसका एक टेक्निकल रीज़न है क्यों किसी शो में भी बहुत सारे लोग रखने पड़ते हैं आप देखते होंगे ग्यारह बजे के जितने शोज आते हैं फ़नी शोज टी वी के ऊपर उसमें एक बहुत बड़ी कास्ट होती है एक होस्ट होता है तो चार कमेडियंस होते हैं तो दो हंसने वाले होते हैं दो तीन हंसाने वाले मेरे शो में अब सिर्फ मैं हूँ और अली मीर आते हैं एंट्रीज हम नहीं रखते अब शुरू में हमने रखी वो इसलिए रखी क्योंकि एक अप्रीहेंशन थी जियो की कि यार आप रु, 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 तीन दिन करोगे हफ्ते में कितना कंटेंट है आपके पास तो हमें क्या करना है कि इसमें से पंद्रह पंद्रह मिनट जो है लोगों में बांट देंगे ताकि आप पे सारा बोझ ना आए तो मैंने उनसे कहा कि यार देखिए मैं कोई कंटेंट थोड़ी करता हूँ मैं कोई जोक थोड़ी सुनाता हूँ आके मैं तो उनकी बात से एक बात निकाल लेता हूँ ये मेरा ही स्किल है ये कॉन्टेंट नहीं है और मैं ला लास्ट के साथ भी तीस मिनट तो निकाल सकता हूँ

हम जाते ना कहते वो वाला मत सुनाइए <laughs> नया, नया। सुनाइए हाँ। अच्छा इसकी एक साइकिल होती है कॉमेडी जो होती है ना हर कमेडियन हर शो के लिए नया शो वो नहीं लिखता गिग होता ये है कि हम जितने भी स्टैंड अप कमेडियंस हैं और ये ग्लोबली ऐसे ही होता है कि हम एक गिग को कई जगह लाइव शो में परफॉर्म करते हैं एक ही, एक ही सेट को कई जगह करते हैं छह सात महीने तक करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ अब हमने इतना ऑडियंस कवर कर लिया है कि अब हर शो में ओवरलैपिंग ऑडियंस बहुत ज्यादा आ रही है तो फिर हम उसको डिजिटली रिलीज करते हैं अब रिकॉर्ड कर लिया उस शो को

Uh, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या लिखा है ये क्योंकि मेरे रेफरेंसेस मेरे दिमाग में होते हैं ये पढ़ के मुझे बात क्या याद याद आ, मुझे क्या क्या याद आएगी लाश <laughs> लाश आ, लाश लिखा हुआ है लाशी ये लाश को भी मैंने चेंज करके लिखा हुआ क्योंकि उससे मुझे कुछ याद आएगा सॉरी तो वो मैं आ, इस तरह की चीजें लिखता हूँ कोई भी अच्छा रूटीन ना लिखने का एक फायदा होता है आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पता होना चाहिए शुरू कहाँ से करूंगा जाना कहाँ है इसके बीच में जो बातें हैं ना वो मैं अपनी तरफ से उसी वक्त बनाता हूँ तो मैं अगर एक कंटेंट अगर दस बार भी कर रहा हूं तो जो लोग दस बार भी सुन चुके हैं उनके लिए डिफरेंट चीज़ है इसमें क्योंकि बीच में कोई ना कोई चीज नहीं होती जा रही है हाँ। आपको बीच में कोई बात याद आ जाती है तो वो एड तो हो जाता मैं जब फॉर एग्जाम्पल शादी की बात कर रहा होता हूँ या शादी के मनाजिर तय कर रहा होता हूँ तो उसके बीच में मुझे आई भी याद आ जाती है जो फौज में जाने के लिए दी जाती है मैं वहाँ चला जाता हूँ पहले मैं आई एस देकर वापस आता हूँ फिर फिर स्टेज पर बैठता हूँ फिर वहीं से जोक शुरू करता हूँ ये कोई अंकल बैठे हुए हैं जिनसे मुझे कुछ एक किस्सा याद आ गया पुराना टीचर तो याद आ गया। चले गया। तो वहाँ चला आया फिर मैं लोगों से पूछता तो, तो, तो उसमें करता हूं मैं। अच्छा? तो तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी हैकलिंग कोई नहीं करता लोग इन्जॉय करते हैं देखना चाहते हैं यार आए हैं तो बात करेंगे लोग लेकिन ये होता है कि जैसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो किसी ने उसमें कर दिया तो फिर मैं उसी पे लग गया सर नहीं हो गया असली नाम बताओ <laughs> तो, तो पूरा क्राउड उसके पीछे लग गया वो पूरे शो में वापस घूम घूम के उसकी तरफ आता रहा हाँ तो इसलिए मैं कभी किसी कॉमेडी शो पे नहीं गया और अगर

<coughs> हमारे टीवी चैनल्स पे जो शोज़ आते हैं ज़्यादातर है, लेट नाइट शोज़ आप उनको कह लें या जो भी कह लें उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ गेम्स के यार किसी चीज़ में किसी न किसी पॉलिटिशियन का जिक्र हो रहा है कभी इमरान खान हो रहा कभी है कभी नवाज़ शरीफ हो रहा है Why do you think कि हमारी ऑडियंस इतना थ्राइव करती है या सो टू स्पीक हमारे टी वी होस्ट इतना या हमारे टी वी हाँ, शो राइटर्स जो हैं वो इतना हाँ, इस इन पॉइंट्स के ऊपर इन चीज़ों हाँ, के ऊपर थ्राइव करते हैं कि हम लोग इसको कहीं और क्यों नहीं लेके जाते देखो जिन शोज की तुम बात कर रहे हो मेरा शो न्यूज़ चैनल पर आता है इट हैज़ टू हैव अ पोलिटिकल एलिमेंट क्योंकि वो न्यूज़ चैनल पर आते हैं अब दुनिया में कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लें उसमें जितने प्रोग्राम्स आते हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल करंट अफेयर्स का एलिमेंट ज़रूर होता है ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं दुनिया बी बी पे उठा लें अब बी बी जो वर्ल्ड है न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं इसमें न्यूज़ या करंट अफेयर्स की बात ना हो रही हो कम बात करता हूँ अक्सर सिर्फ नाम लेकर शरारत कर लेता हूँ या किसी ने कोई अच्छी खबर आई वैसे अभी आए थे वो ताड़ साहब आए थे अता ताड़ड़ हैं पी एम एल के वो उनका भी मनाल गए थे तो लड़के हंस के उन पर हंसे तो जेल चले गए तो अब वो मैंने उनसे शरारतन पूछ लिया या मियाँ साहब लंदन गए में तो एक जोक मार दिया इसके ऊपर पॉलिटिकल बात मैं नहीं करता कि ये है वो है शायद जियो पे शायद तो पहली बात एक एड्रेस कर दूँ जियो पे <laughs> काम करता हूँ और मुझसे बाकायदा जियो के जो सीनियर तरीन मैनेजमेंट है ओनर्स तक उन्होंने मुझसे पूछा है पर्सनली कि यार आप कभी किसी ने प्रेशर तो नहीं दिया विद इन जियो कि आप ये करें पी की सपोर्ट करें या आप, आप मैंने कहा मैं तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे तो डर लगता है इस बात का कि आप लोग मुझ पर अटेंशन नहीं दे रहे शायद कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में उनका आपसे कोई बात नहीं करेगा आप पे कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इफ़ यू आर प्रो इमरान टॉक अबाउट इट इफ़ यू आर नॉट प्रो इमरान टॉक अबाउट दैट तो इस तरह और ये मैं मतलब ऑन रेकड कह रहा हूँ और मैं ये एडिट करने को भी नहीं कहूँगा मुझसे वाकई में ऐसा कहा गया तो जो चीज़ आपके साथ हो उसी पे आप परसेप्शन बनाए और ये मैं कॉर्पोरेट जो नौकरियां करने जाते हैं ना लोग सीनियर पोजीशन पे उनको भी एक सजेशन दे दूँ हाथ के हाथ डायग्रेस करता हूँ ना कॉन्टेंट में <laughs> कि हाथ के हाथ दे दूं क्योंकि याद अभी आई है कि जब आप किसी टी, टीम लीडर या लीडरशिप पोजीशन पे जाएं किसी भी कंपनी में आप मैनेजर बन के जा रहे हैं डायरेक्टर बन के जा रहे हैं तो जो पुराने लोग होंगे ना वो आपके पास आएंगे और आपको हर किसी के बारे में कुछ बताएंगे कि यार ये सर ये साहब जो ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं नेवर फॉल फॉर देट नेवर गिव योर सेल्फ थ्री मंथ्स डेवलप योर ओन परसैप्शन अबाउट एवरी वन क्योंकि जिसने आपको बताया है उसने अपन अब अप, जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो बताया है. अगर आपके साथ किसी ने बुरा नहीं किया ना तो वो बुरा आदमी नहीं है हर किसी को अपने साथ किए हुए बिहेवियर से जज करें ना कि ये कि उसके साथ किया था तो हमारे साथ भी यू नो डोंट डू दैट तो मैं बता रहा था कि ये प्रेशर नहीं है दूसरा ये कि तुम्हें मैंने बताया कि न्यूज़ चैनल पे आते हैं बिकॉज ऑफ़ दैट उसके अंदर एक पॉलिटिकल वो डालना पड़ता है तीसरी बात वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है आप देखते ना हर शो पर एक सेंसलेस डिबेट हो रही है uh, तीन पॉलिटिशन्स बैठे हुए तीनों आपस में दोस्त हैं तीनों शो खत्म होने के बाद एक साथ चाय पीने जाएंगे या खाना खाने जाएंगे कुछ भी तो तीनों लेकिन शो पे बैठेंगे तो उनको अपनी पूरी परफॉर्मेंस देनी है वो अगेंस्ट बात करेंगे और सेंसलेस बात करेंगे कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होगी जो मिया साहब करप्ट हैं तो खान साहब ने तोशा खाना की घड़ी बेची है यही बात होती रहती है हम सुनती रहती है यार बड़ा मजे का बोला इसने तो हमें अब देखिए सास बहू खिचड़ी बन गई एंटरटेनमेंट चैनल पर बहू और न्यूज चैनल पर दो पॉलिटिशियन ये दोनों एक सी बात कर रहे हैं तुम गंदी हो तुम गंदी हो मेरे साथ <laughs> वहां पर यही चल रहा है बिकता यही है नेगेटिव लड़ाइयाँ बिकती हैं टी वी बिकता यही है लड़ाइयाँ बिकती हैं खून खराबा बिकता है चीटिंग बिकती है इनफर्टेलिटी बिक, ये सब चीज़ें बिकने वाली चीज़ें जिससे ऐसा लगता है ना कि यार कितना बुरा है मगर एक दिल में देखने का भी दिलचार है वो hmm. ये बिकता यही है तो इसको आप सैड कहें इसको आप बिजनेस प्रॉपर ड्रामा इफ यू थिंक अबाउट इट

पोलिटिक पोलिटिकल डिबेट्स दुनिया में हर जगह होती है और मर्द हजरात या जो भी पोलिटिकली अवेयर या पोलिटिकली इंटरेस्टेड ज्यादा लोग हैं वो उस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं और देखते हैं एवरीबडी हैज देयर पिक्स एंड एवरीबडी लाइक्स समबडी एंड डिसलाइक समबडी पाकिस्तान इज नो डिफरेंट इट्स जस्ट दैट

विद उसके अंदर उन्होंने बोला था जो कि मुझे काफी अजीब सा लगा कि यानी लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू दैट शुड नॉट बी द केस विच वॉज कि यार uh, हमें हमारे पीछे लोग कहते हैं कि अगर तुम उसने तुम्हें कुछ गंदा किया किसी बात पर तो तुमने आगे से उसको गंदा क्यों नहीं किया <laughs> तो हमें जाके लोग पीछे जाके पूछते हैं कि यार तू हमारी नाक कटवा के आ गया

हाशिर।, हाशिर क्या करते क्या हो तुम यहाँ हंसने के अलावा क्या करते कोने की कुर्सी पे बैठ मैं बस लोगों के के कैमरों आगे हंसता में वेरी नाइस यार और खुद भी बनाते तो कुछ है तुम्हारा है। किस चीज क्या चैनल का नाम है हाशिर ब्लॉग बहुत इनोवेटिव ऐसा है मैंने कभी नाम नहीं सुना <laughs> किसी का नाम हाशिर हो और उसके चैनल का नाम हो हाशिर कैमरे के पीछे ठीक थोड़ा सोचा भी नहीं तुमने तुमने क्या नाम रखू क्या नाम रखू हाशिर पहले था। मैंने रखा था हाशिर अनवर फोटोग्राफी पहले फोटोग्र था <laughs> मैं। मैं। बहुत अच्छा लग रहा था हाशिर अनवर फोटोग्राफर ऐसा लगता है की शिक्षा से नहीं पता चलता पहले मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था लेकिन वो शादियां खत्म हो गई मेरे से कराना छोड़ दिया दोबारा क्यों कराया गया हो गई ना शादी मैंने एक शादी का कवर किया था इवेंट

कि हमारे पीछे वाले लोग हमें जाके मोहल्ले में जाके गा चाहते ना चाहते जब तुम अपने कमेंट्स पढ़ते होगे वीडियोस पे तो कोई कोई ऐसा होता है ना कंसिस्टेंटली एक बुरा कमेंट आया जा रहा है तीन चार लोगों से आ रहा है तो आप सबकॉन्शियसली अपने अंदर वो करेक्शंस करना शुरू कर देते हैं शायद मैं यार ये चीज़ कम बोला करूँगा छोड़ दो इससे क्या हो रहा है एंड ऑल दैट इसी तरह जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब भी अपने हलकों में जाते हैं या बैठते हैं गैदरिंग्स में बैठते हैं हमारी तरह की दोस्तों यारों में बैठते हैं हर कोई ना अपना परसेप्शन परस्पेक्टिव वो अपने ट्राइब से बनाता है हमें लगता है यही दुनिया है साहब ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो जब ये बैठते होंगे डिफरेंट पॉलिटिशन में तो ये लोग कहता है भाई उसने तो यही बोल दिया तू तो बैठ गया चुप हो गया एकदम तो ये पंप अप होते हैं फिर अगले जाके बोलते हैं मैं एक चीज़ खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार तो क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर यार बहुत दर्दनाक खतरनाक लोग हैं जो पी के फैंस हैं जो खान साहब को सपोर्ट हम यू नो खान साहब अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स पाकिस्तान के एक नेशनल हीरो तो है ना मतलब उसमें तो कोई डिबेट नहीं है मगर अगर ऐसा हो कि आपको किसी चीज़ से

तो फॉलोअर्स को जैसे वो कहते हैं ना मुसलमान को देख इस्लाम नहीं समझना चाहिए तो लेकिन समझते तो वैसे ही है ना लोग दुनिया भर में जो नॉन या मुसलमान नहीं होते वो मुसलमानों को देखते हैं और समझते हैं ऐसा ही होगा इस्लाम लेकिन आपकी जो मैसेज है जो आपकी ज्यादातर है वो खान साहब को फॉलो कर रही है और वो हर्ट है और वो दे डोंट केयर और अगर यार मैं जलसे में गया था आई वेंट टू आई मेड इट टू द स्टेज लकली सम हाउ ठीक है बट वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी जो कि मैंने कहा कि यार देर आर सम मेजर इशूज़ इन दोसाइटी इट सेल्फ hmm. एक स्कार्फ में लड़की जा रही थी ये पी टी आई के जलसे की बात है एक स्कार्फ में लड़की जा रही थी और वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी सपोजडली और तीन लड़के बाइक पे थे और वो उसको देख उसकी तरफ देख के ओए -ओए -ओए -ओए, ले गया ले गया और दिस वाज ऑन द वे बैक दैट वाज अ वर्बल फॉर्म ऑफ हेरासमेंट और मैंने कहा कि यार देखो एक चीज होती है एजुकेशनल uh, क्या आप एजुकेशन uh, uh, आपके अंदर इतनी एजुकेशन है कि आपको सही गलत में तमीज हो लेकिन एक एथिकल चीज भी होती है ये एथिकली रॉन्ग है यानी कि एक खुली रोड पे किसी खातून को देख के नारे मारना जस्ट बिकॉज वो किसी लड़के के साथ है चाहे वो जो भी है आप आपसे कह लेने मेरा बट द पॉइंट इज कि ये बहुत गलत चीज है और ये वही आवाम है जो अपेरेंटली मेरा और उसका पॉलिटिकल प्रेफरेंस एक ही यार पॉलिटिकल प्रेफरेंस तो कुछ आ, उस नहीं है भाई किसी आम आदमी की कोई ऐसा नहीं किसी से पूछो यार खान साहब का मंशूर क्या है किसी भी सपोर्टर से नहीं बता पाएगा वो आपको क्या मंशूर है मंशूर क्या होता है वो बोलेगा क्या होता है <laughs> नो? तो वो जब स्टेज पे तकरीर कर रहा होता है ना और ऐसी बातें है इंकलाब आएगा तबाह हो जाएगा मैं बता रहा हूँ हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमको लगता है सही बात है बिल्कुल खत्म हो जाएगा सेंसलेस बात अगर कोई भाई हिटलर

कहीं ना कहीं वो ऐसा साइन छोड़ जाते हैं या कहीं ना कहीं वो ऐसी कोई बात ऐसी छोड़ जाते हैं हाँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो यूथ है या जो आपको इतना फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पंप होते हैं इन मैं पंप कर... तो करूंगा मैं। अगर मैं खुद पॉलिटिशियन होता ठीक है मैं भी लीडर का काम पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट है आपको अपने क्राउड को हर वक्त चार्ज रखना है ताकि वो आपके पीछे लगे रहे हमारी ज्यादातर यूथ जो है वो हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग है पच्चीस से पैंतीस के दरमियान की ज़्यादा सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट आबादी दिए और वो इमोशन पे चलती है सब सबसे ज़्यादा इमोशनल लोग हैं अगर है। ना होते तो ऐसा थोड़ी होता कि सिर्फ जल्जले आने पे इकट्ठे होते हैं जैसे जल्जले या सैलाब आते हैं हम हम सब फ़िरके सब भूल के मदद करते हैं और तो हम जज्बाती लोग हैं वर्ल्ड कप हो ये हो मतलब ये ना आप करके खड़े हो जाएंगे तो वो उनको पता है और ये किसी भी स्मार्ट आदमी को पता होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता होगा जो एक्सपीरियंसड है कि यार मैंने चार्ज किस तरह करना है कभी किसी को कौम का नाम देखे कभी महाजर बोल के चार्ज करना है कभी मैंने बोला जाग पंजाबी जाग कभी जी भुट्टो से ज़िंदा है जाग कभी ये जी हकी आज़ादी मार्च ये सब एक ही नारे हैं ये सब एक आप मुझे बताएं खान साहब हैं उनके हम सब फैन थे मैंने वोट डाला दो हज़ार में ना सिर्फ वोट डाला है बल्कि लाइनों में खड़े लोगों को पानी पिलाया कि यार आराम से खड़े रहे आंटी बैठे हैं पानी पहले वोट डालें मसाज यू नो वी ऑल वर चार्ज

वहां से oh आ रहे यार पार्ट ऑफ कैंपेनिंग कैंपेनिंग मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा था और ये सिर्फ मैं नहीं था मैं कोई पीटीआई का मेंबर नहीं था मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं था मैं एक आम आदमी था इंस्पायर्ड बाय और हम yeah. मैं नहीं था अकेला मेरे बहनों ही बाहर से आए फ्लाइट लेकर के यार वोट डालना और सिर्फ वो मेरे बहनों ही नहीं थे हजारों लोग थे लाखों लोग थे जो ये सोचकर आए थे कि यार वाकई में अब ऐसा होने वाला है कि सब डिफरेंट होगा यू yeah. नो you know, एक ईमानदार आदमी ये बनेगा एक फिर हम जब आए कैबिनेट बनी फवाद चौधरी हैं जी ये फिरदौस दोस्त आशिक अवान हैं ये नदी अफजल चंद हैं ये आपको लगा भाई ये तो लोग देखे हुए मैंने पहले कहीं अरे ये कहीं सुने रहा ये नाम कहीं देखे ना लग रहा है <laughs> <laughs> सही है तो वो है ये, ये, क्या हुआ फिर इवेंचुअली पता चला कि ये यार ये मसला ये अब मैं यहाँ पर बैठे इमरान खान की जगह आप ईदी को बना दें प्राइम मिनिस्टर अल्लाह उनको नसीब करे बना दें ईमानदार ईमानदारी इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अदर कैपेबिलिटीज डिसीजन मेकिंग यू नीड टू नो अंडरस्टैंड कि भाई दुनिया में क्या होता है हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपको आना जरूरी है अमेरिका में कोई ऐसा ये ट्रंप बना ना चार साल में फारिग इसलिए अब जब ट्रंप जैसे लोगों को अमेरिका में किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ट्रंप के बाद ना वो कौन सी है वो जो ओपरा वन्फ्रे और एक और बंदे ने भी कहा कि मैं भी इलेक्शन तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि यार अमेरिका के ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर कि अब आर्टिस्ट और होस्ट ये सोचना शुरू हो गए कि हम प्राइम हम प्रेजिडेंट बनेंगे जॉनसन डोइन जॉनसन द रॉक उसने तो, कि वो इलेक्शन से लड़ रहा है तो यार इसके लिए बहुत एक बहुत डिफरेंट माइंड सेट चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए खान साहब और अपने साथ वही पाकिस्तान में जट जट बट बट चांडियो चांडियो को वोट डाल रहा है 85 फाइव परसेंट सीट्स नेशनल में सिर्फ जातों के नाम पे जाती हैं उस इस हिसाब से कैसे आप किसी जगह पर ऐसा इनकलाब बर्पा कर सकते हैं तो आपको रखना ही वो लोग पड़ेंगे हाँ यार यही जीतता है तो हाँ. वो, वो फिर, वो फिर उम्मीद लगाना फजूल सा काम है यार नो होप जोन नहीं समझता पता क्या मैं इसलिए नहीं समझता मैं सिर्फ मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की स्पीड बहुत स्लो है मैं हल्की हल्की चीज़ें देख रहा हूँ कि चेंज हो रही हैं पाकिस्तान में मैं क्योंकि एटी फाइव में पैदा हुआ था मैंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव पॉलिटिकल वो देखा हुआ है माहौल जब सिर्फ एक जमाना था सिर्फ बेनजीर अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ फिर बेनजीर फिर अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ एक हुकूमत गिरती थी दूसरी आती थी रोज़ का था ये ठीक है रोज़ का था तो हमने तो वो देखा हुआ फिर ऐसा आ गया कि नए चैनल्स आ गए पी हट गया अब पता चला पाकिस्तान में बुराई भी है पहले से पी देखते थे स्टार्ट खबरें होती थी कि आज प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले तरक्यात की बातें की और फिर घर आ गए

खुशी है नहीं अस्सी नब्बे चैनल है न्यूज़ के इतनी तो खबरें नहीं हो रही इस मुल्क में जितनी न्यूज चैनल है, <laughs> तो वो जाहरी बातें बनाएंगे ना पर खबरें <laughs> कौन भाई होती हैं पक, पकी हुई खबरें भी देते हैं मार्केट में खैर नहीं तो आ, जब तक ये सिस्टम हमारे हम डेमोक्रेसी हमें अमेरिका ने कह दिया या इंग्लैंड ने कह दिया डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो हमने रख ली डेमोक्रेसी लेकिन क्या हमारी आवाम रेडी है कि उसका ओपिनियन लिया जाए तुमने भी बताया ना वो जलसे से निकले उसको जी इमरान के नारे तो लगा रहे हैं मगर वापसी में ये तमीज़ नहीं है किसी औरत को नहीं छेड़ना तो क्या वो तैयार है कि वो अपना लीडर चुन चुन सके क्या एक डॉक्टर का वोट एक उस मोटरसाइकिल वाले तीन लड़कों के बराबर होना चाहिए लेकिन है ना इस मुल्क में तो एक मुझे बाबत हो तीन करोड़ लोग वोट डालते हैं चार करोड़ लोग वोट डालते हैं इस पाकिस्तान मुल्क में कितना परसेंट टर्न आउट था खान साहब के उसमें चार करोड़ लोगों ने वोट डाला था शायद चार करोड़ लोगों ने जिसमें से एक करोड़ कुछ लाख वोट पड़े इमरान खान को पाकिस्तान के बाद ये पच्चीस करोड़ लोगों की चौबीस करोड़ या 23 करोड़ लोगों ने तो वोट नहीं डाला या चलो टोटल आबादी के 22 करोड़ लोगों तो, वोट ही नहीं डाला। तो आप जो कहते हैं पता ही नहीं है और जो आपको लेकर आए उनको भी नहीं पता कि आप कौन है गाँव में एक सरदार ने जमा किए लोग ये लोग बिरयानी दो दो हजार रुपए बांटे कल वोट इसको पड़ेगा पड़ते थे वोट अब इस सिस्टम से

जान मारूंगा इसको बुलाया सुंदरस को बुलाया इनसे कहा कोई अपेयरेंस दे दो अपने अपने फैन तो वोट डालने की पूरी कोशिश बहुत वोट अगर पड़ गए मुझे तो अपने एक सीट मिल जाए भले उस सीट को भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं हर एम को एक डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं मुझे दो करोड़ मिल जाए तीन करोड़ मिल जाए मैं उन तीन करोड़ से जो है ना वो प्लानिंग करूंगा अपने हल्के की तीन करोड़ से क्या हो सकता है कि सारे पेवमेंट मार्किंग सही हो सकती है वो करा लूंगा कोई ऐसा सब्सटेंशियल काम जो तीन करोड़ से हो सकता है फिर मैं कमिटीज बनाऊंगा उन हल्के में अपनी स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप यार आओ फिर मैं यूनिवर के पास जाऊंगा मैं पी के पास जाऊंगा मैं अपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज के पास जाऊंगा कि आओ मेरे इलाके की तीन सड़कें अडॉप्ट कर लो ये सड़कें आज से यूनिवर सड़कें इनको बनाओ इनमें मार्केटिंग करनी है कर लो मगर इनको साफ़ करो जो कमेटीज़ बनाऊंगा मोहल्लों की जो लोग शामिल होंगे मेरे साथ जिनको मैं बोलूंगा अपना मोहल्ला आपने खुद चलाना है इस तरह पैसे इस तरह आएंगे उनसे मेक श्योर कराऊंगा कि उनके अपने घर के जो क्यारियाँ हैं या गराजेज हैं वो रोड पे ना हो वो वो लोग हों जो खुद कानून नहीं तोड़े हुए वो कमेटीज़ इतनी सॉलिड हो और मोहल्लों में जाऊंगा उनके साथ काम करूंगा हो सकता है कि मेरे उस एक हलके में काम करने की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी मल्टीप्लाई हो मेरे पर ट्रस्ट मल्टीप्लाई हो अगले साल में दो सीट्स जीत जाऊँ तो मैं 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 इसमें जो है है में? में आना हाँ. यार मैं move -move की टेंशन नहीं मुझे मुझे की नहीं मगर ये कि कि बोलता ही रहूंगा कि ये सब चोर हैं जाके ना कितना टेस्ट होता है आपका ईमान अगर मैं चोर बन गया तो फिर मुझे ये तो सुकून हो जाएगा ना कि यार <laughs> अगर मैं चोर बन गया तो शिकायत का को कोई फायदा नहीं लेता और अगर मैं चोर नहीं बन पाया एक पॉइंट पे आके आपको टीम बनानी पड़ेगी ना आपको लोग लाइक उम्मीदवार हाँ, से बनकर मैं मैं होगा ना कि जो मैंने प्लान बताया इसमें बना रहा हूं मैं इससे क्या होगा फुटप्रिंट बड़ा कर रहा हूं फिर अगले साल तीन लोग सीटों पे खड़ा हूँ तीन लोगों को खड़ा करूंगा अपने साथ ये मेरे जैसे लॉगी करने जा रहे हैं बस इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शंस में इस अभी जो अनाउंस होगा इसमें नहीं अगले इलेक्शन में मैं okay. खान साहब की तरह आगे कहना चाह रहा कि हमें पता ही नहीं था क्या है साल 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 अब से yeah. yeah. I, I, <laughs> uh, uh, मैंने नियत कर लिया है और मैं हर काम इसी तरह करता हूँ बना लेता हूँ नियत करना है अब वो ऑटोमेटिकली But do you think political? कहते हैं कि like politics में आने के लिए क्योंकि अगर रसूलों होती तो यानी कि हमें वाकई कुछ चेंजेस हाँ। नजर आते हैं हाँ। तो ये सारी चीजें नहीं है ये नहीं। इसके अंदर पोलिटिकल होना बहुत जरूरी है इसके अंदर सब बकवास है तुमने जो कहा वो अच्छी बात है सवाल सही है कॉन्सेप्ट बकवास है कि आपको पोलिटिकल होना जरूरी है पॉलिटिक्स एक साइंस है वैसे ठीक है साइंस है पोलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है इंस्टीट्यूट्स में पॉलिटिक्स हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो बदनीयती गंदगी चोरी चकारी उसका पत्ता काटना ये पॉलिटिक्स नहीं होती भाई ये पाई होती है में बीप, पाई हो, बीप हराम पाई होती है ये <laughs> <laughs> तो आला है सीन ये कि आ, मैंने देखा देखो शोबे में नहीं है क्या पॉलिटिक्स बहुत है आ, हर क्या आपके ऑफिस में नहीं होती पॉलिटिक्स दुनिया भर में होती है चाहे हाँ। आप कहीं भी काम भारे कर भारे रहे हो सही ना इट्स वेरी अनकंफर्टेबल नहीं लेकिन एक चीज होती है आपकी अपनी स्किल्स अगर इतनी स्ट्रांग है और आपकी अपनी स्किल्स पर आपकी जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में काम करते हैं आप जैसा कोई काम नहीं जानता आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता योर स्पीक्स योर वर्ड स्पीक्स लाउडर देन एनी पॉलिटिक्स आप मैं पब्लिक स्पीकर था बहुत पॉलिटिक्स नहीं हो या ये इसको कटा दो ये तो अब ग्रेजुएट हो चुका है ये इतनी पॉलिटिक्स मगर जब <laughs> मगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कहते थे यार ये तब तक नहीं बोलता क्राउड खड़ा ही नहीं होता अब हाँ. करते रहो पॉलिटिक्स मैं तो कर रहा हूँ सही मैं डिजिटल काम करता था टी वी पर आने का कोई ऑप्शन नहीं था मगर टी वी पर काम कर रहा हूँ इसके बावजूद कि बहुत पॉलिटिक्स की लोगों ने, ने ये कह दिया जी वो जावेद शेख को उन्होंने ये कह दिया जो गंदी बात करता है टी वी पर नेशनल टी वी पर करता हूँ जी

मैं अल्लाह में से जब दुआ करता हूँ ना मैं अल्लाह में से ये दुआ नहीं करता मुझे प्राइम मिनिस्टर अल्लाह में से मैं दुआ करता हूँ आप मेरे मुल्क के लिए या ओवरऑल जो भी यानी मुसलमान हैं दुनिया में रहते हैं जिनका इमेज इतना खराब है जिनसे मैं करेक्ट कर सकता हूँ ना बाकी लोगों से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है ना रिलीजसली है ना जियोग्राफिकली है तो नहीं है मगर मैं से दुआ करता हूँ कोई बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम लीजिएगा मुझसे तो ये दुआ करता हूँ अब मुझे ऐसा लगता है वो शायद प्राइम मिनिस्टर बन के हो प्रेजिडेंट बन के हो सकता है वो एक फ़िल्म्रापिस्ट बन के हो लेकिन वो बस दुआ यही है बस सिंपल सी बड़ा और बेहतरीन आई मीन यार ये सारे यही कहते हैं हैं कि अगर आप की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो यंगस्टर्स और आप जैसे लोग जिनकी जिनके अंदर इंटेंट ग, भी है है गलत बात है फिर से ये तुम्हारी ठीक बात है कौन सा जो कि पिछले कई सालों से बता दो, एक बताना हमें तो ये हर जगह सुन तुम भी सुनना भी। <laughs> कि जो कहा जाता है ना यूथ को यूथ को आगे बढ़ना वैक्सीन। है।, है वैक्सीन वैक्सीन को ये यूथ को आगे आना चाहिए यूथ हाँ। ये एक कितना बड़ा स्कैम हो रहा है दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो ये कहते हैं ना यूथ यूथ ये तीस साल पहले यूथ थे मुल्क तब भी यही था सही बात है ठीक है तुमने क्या किया

पूरी कौम को करना पड़ता है रेवोल्यूशन मेहनत ये यंगस्टर्स को नहीं करना पड़ता बुढ़ों को भी जान देनी पड़ती है लीबिया और इटली का जब चल रहा था किसा से है या असली है लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था लीबिया पे ऑक्यूपेशन uh, था तो इनके पास कुछ नहीं था हथियार हथियार नहीं थे इनके पास और ये सिर्फ लोग थे डंडे थे खंजर ऐसे हथियार घर के बनाए हुए तो उनके पास तो वेपन्स uh, थे फायर uh, करने वाले uh, तो करते ये थे छः लोग जाते थे एक फ़ौजी को मारने छह लोग क्योंकि वो छठी गोली पे रीलोड करता था उस वक्त मारते थे वो आखिरी बंदा स्ट्रांग रखते थे छह लोगों में से छह लोग एक फौजी को मारने जाते थे वो पांच सिर्फ मरने जाते थे तो गोली मारेगा ठक 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 पांच मर जाएंगे आखिर में जब वो रीलोड कर रहा होगा तो वो एक बंदा स्ट्रांगेस्ट बचा हुआ होगा जो उसको मारेगा हाथ से इस तरह जान देते दे थे लोग इस तरह की स्टोरीज ने रेवोल्यूशन थी आपने कामाकाजी ये स्टोरी कामाकाजी आप देखो ना जापानीज़ कॉन्सेप्ट है वो जहाज हाँ। गिराते थे हाँ। क्योंकि उनके जहाज फायर नहीं कर पाते थे बोट्स के ऊपर अमेरिकन बोट्स के ऊपर तो पायलट्स डायरेक्ट जहाज घुसाते थे बोट्स हाँ। के अंदर हाँ। ये वो टाइम था जब ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो लिटरली जहाज में बैठते थे उनके जहाज जो थे वो

इन्होंने खुद कुछ नहीं किया यार उस दौर में जब नौकरी पाने का सिर्फ क्राइटेरिया था कि इंग्लिश आती हो उस दौर में नहीं कर पाए कुछ अंकल यूथ करेगी हमने करेगी। तो हमने तो अपना टाइम निकाल लिया आ, अब तुम अब तुम, अब तुम करो कुछ जिंदगी अब खत्म हो गई अंकल मुल्क भी खत्म कर दिया आपने पता है जिंदगी के साथ आपको लगता है ना कि ये जो तो जनरेशन एक्स गुजरी है ये दुनिया के लिए यूजुअली नुकसान दे थी नुकसान नहीं 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 दुनिया में नुकसान दे नहीं थी फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 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 डैड की उम्र के जितने भी लोग हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी अपनी मुल्कों को आगे लेके जाने में ज्यादा से डेवलपमेंट इसमें हुई है फिजिकल डेवलपमेंट इसमें हुई है लेकिन फॉर अस द सेम जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट कार्नेज इन दिस कंट्री आई फील दैट स्टार्ट फैक्ट्स हैं इसके ऑन ऑन द द अब एज ऑफ टूडे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुनिया सा अपने सब बहुत अमन पसंद अब अमन वाले दौर से गुजर रही है यू गैज नो दैट अब जंगों में करोड़ों लोग नहीं मरते हाँ हजारों लोग एक दो लाख लोग मर जाते है पहले वर्ल्ड वॉर टू में एक घंटे में एक लाख दो लाख लोग मर जाते थे बीमारियों से सबसे ज़्यादा कम लोग अब मर रहे हैं एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा लोग अब मर रहे हैं में शायद ज़्यादा मर रहे हो लेकिन अब ओवरऑल दुनिया अपने एक अमन के फेस से रिलेटिवली अमन के फेस से गुजर रही है तो हमारे दौर में ऐसा है कि बेहतरी है पुराने दौर में जब ये जो इन्वेशन सबसे ज़्यादा इन्वेशन किस दौर में हुई वर्ल्ड वॉर के दौर में हुई जो सबसे तेज़ी से सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा हाँ। दुनिया के लिए इस उससे फ़ायदेमंद था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेशनस हुई हाँ। अब तो इन्वेंशन नहीं बल्कि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉग हो रही है ना लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं अब पता चला है लोगों को कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन तो उसी के अराउंड सब चीज़ें बिल्ड हो रही हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले ज़माने में जब मेरे अब्बा नौकरी करते थे या, या यंग होंगे उस जमाने में क्योंकि नया नया कलोनियल दौर ख़त्म हुआ था तो लोग जो थे वो कॉलोनियल माइंड के तो थे ना अंग्रेजी आती होगी तो बंदा सुपर है हुँ। हुँ। इसको नौकरी दे दो अब आपने बहुत सुना होगा कि आपके दादा या मेरे ताया बी इंग्लिश थे मगर लगे हुए थे कलेक्टर पढ़ा कुछ कर रहे कुछ अंग्रेजी आती थी इसलिए तो अच्छा ऐसे जो लोग होते ना वो अंग्रेज़ी आती है उनको सुप्रेमसी का एक एहसास होता था उस ज़माने में अभी भी होता है अभी भी होता होगा अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब सबको तकरीबन आती है इंटरनेट की वजह से तो सुप्रेसी का एहसास था ना तो ये डिसीजन मेकिंग करते थे ऐसे विदाउट कंसल्टेशन मैं कह रहा हूँ ना आपको क्या पता कर दें आ... तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कलेक्टिव ऐसा पाकिस्तान तो तबाही सिक्सटीज़ के बाद शुरू हुआ है यार पॉलिटिकल भी है ब्यूरोसी भी है हमारी को हल्की नहीं हम लोग ब्योरोसी भी चलाते हैं उसमें को, मिनिस्टर को नहीं पता होता तो है वो अगर मिनिस्टर के पास लेके जाएगा मिनिस्टर कोई तरक्याती काम भी लेकर आता है ना अच्छा मिनिस्टर है बहुत आएगा यार मैंने ये कराना तो ब्यूरोट नीचे से इतने टेक्निकल मसले निकाल देगा कि वो मिनिस्टर को समझ में नहीं आया कैसे होना है। आपने कि भी हसन की बातें है? है।, है, 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 है।, है कि आपका ठेले जो जो वाला भी वो भी फ्रॉड करता है आ, बिल्कुल ऐसे है है। यार मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ <coughs> हम लोग जो है ना वो मैंने अभी पता नहीं किसी पॉडकास्ट में शायद की नहीं एक हमारा ऑनेस्टी का ना डेफिनेशन डिस्टॉर्टेड है ऑनेस्टी की ऐसी है कि एक हमारे मोहल्ले में नाम नहीं लूँगा एक साहब थे बहुत रिलीजियस थे सुबह उठते थे तहजद पढ़ते थे फिर नमाज मस्जिद में जाके अजान वही देते थे फजर की पूरा मोहल्ले को उठाते हुए थे इन like देंस लेकिन कराची में एक प्रॉब्लम है सक्शन पम्प्स लगे होते हैं पानी खींचने के हर मोहल्ले में लगे होते हैं तो लेकिन वो एक होता ही है कि भाई मोहल्ले में एक पैक्ट होता है कि सब एक सी मशीनें लगाएंगे ताकि ये ना हो कि भाई एक घर में सारा पानी खिंच जाए वो पंज वक्ता नमाजी रिलीजस सबसे बड़ी मोटर पंप उन्होंने लगाई हुई थी सबसे बड़ी तो मैं पहले खींच लू पानी यार पानी खींच लू उनको याद नहीं आया कि यार मैं हक मार रहा हूं किसी का उनको ही पता नहीं चला कि यार पूरे मोहल्ले में धार कम हो जाएगी पानी की मैं खींच लेता हूं पूरा पानी ये समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई ये है सबसे बड़ा <laughs> तो मसला जिसने आप जो आपने पूरा करना है आप हक मार रहे हैं किसी का मैं खड़ा हुआ यहां पर ये लेफ्ट टर्न करने की लेन है एयरपोर्ट में अब लाहौर एयरपोर्ट चले जाएं हर वक्त रश रहता है वहाँ पर डिपार्चर और अराइवल में वो क्यों रहता? रहता है ज़्यादातर इसलिए रहता है क्योंकि आप खड़े हैं लेन में और साइड से लोग चले जाते हैं और आगे जा ज्वाइन करने की कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं ये आप हक मार रहे हैं ये आप गुनाह कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ लाइन में बेवकूफ़ हुए यार क्या मुझे इतना गुस्सा आया मैं इस बार तो उतर गया पहली बार मैं लाहौर एयरपोर्ट पर पहली बार तो नहीं गया तो बेगम को छोड़ने गया था तो खुश भी था लेकिन <laughs> तो डिपार्चर लेकिन डिपार्चर की लेन में था तो वो हाँ सॉरी डिपार्चर के लेन में गए तो इतनी लंबी लगी हुई थी तो हम अराइवल से गए गए कह, हम अराइवल से चले जाएंगे वहां लोग बीच में घुसे जा रहे हैं घुसे जा रहे हैं घुसे जा रहे हैं उतरा एवं मुझे उतरना पड़ा मैं गया मैं खटखटाया मैंने कहा आप कहाँ घुस रहे हैं यार ये देख नहीं थी लाइन लगी हुई हम इतनी देर आप बीच में घुसे जा रहे हैं तो क्या हो गया सब तो कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग बैठे थे इसके मौलवी हजरात ये वो सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे होते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं है मैंने एक दफा मैकडॉनल्ड्स के अंदर मैं और सुन रहा तो तुम्हें याद है आ, हम लोग मैकडॉनल्ड्स ले रहे थे हमारे आगे एक ऑडी वाला था ऑडी ए फाइव जो कि यानी कि यार कुछ ना कुछ तो, कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कुछ एजुकेशन होगी ना सही है या तो वो खुद खैर जो भी हमारे आगे वो था उसने लिया हमने लिया वो आगे निकलता है पूरा उसने मैकडोनल्ड का बैग उठाया और ये वाई ब्लॉक वाला सिग्नल है और मेन रोड पर उसने यू करके बाहर हाँ और मैं आल्सो वापस देता हूं गाड़ी भी जब कर सकूं मैं तो हां आई ट्राई टू लेकिन वो बस अच्छा ये रिस्क भी तो है कराची में तो आप इस तरह की हरकत नहीं करना कभी जाओ तो टिप है <laughs> कभी भी नहीं करना <laughs> करता पता नहीं किस गाड़ी से क्या निकल आता लेकिन ये है कि ये तो सेंस ही नहीं है तो खैर छोड़ दो तो कचरा फेंकने वाली तो बहुत बुरी बात है वो बड़ी बात है एक तो हम पेट्रियाटिक होने की डेफिनेशन ये बना लेते हैं किसी से पूछना पेट्रियाटिक है नहीं है मैं बहुत हूँ कैसे मैं कचरा नहीं फेंकता ओ भाई इंसान होने की डेफिनेशन होती है

कोई भी uh, शोज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर फॉर एक्जाम्पल मी एंड माई वाइफ एव बिन वॉचिंग थर्टीन रीजन लेटली और उसके अंदर हमने नोटिस किया और मैंने ये मैंने फ्रेंड्स के भी दस के दस सीजन देखे हुए मैं. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि वो ना इस तरह के जो शोज़ होते हैं ना उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें डालते हैं जो कि ऑडियंस के लिए एथिकली एजुकेटेड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है यानी कि दोस्त ने एक दोस्त को धोखा दिया और वो अपने तौर पे रियलाइज़ करता है कि मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया और अब मुझे जाके उससे ये एडमिट करना है और उससे माफ़ी मांगनी है इन ऑर्डर टू थिंक लाइक दैट यू हैव टू बी एथिकली एजुकेटेड एंड इन ऑर्डर टू बी जब आप एथिकली एजुकेटेड नहीं होता ना तो फिर आप पांच वक्त नमाजी हो भी सकते हो और लोगों का हक मार भी सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या नहीं पता चल रहा है आपको आइडिया नहीं होता आइडिया नहीं है तो और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो डिफरेंस है यहाँ की सोसाइटी में और बाहर की सोसाइटी में वो ये है कि वहां पे अगर कोई आके गलती करता है और गलती करके उसके मां बाप ने उसको इतना एथिकली एजुकेट किया है कि वो अपनी गलती का एहसास जब उसको होता है वो आके एडमिट करता है तो वो उसको डांटते नहीं है हाँ। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं सच, सच यहाँ पे बच्चे झूठ ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको डर होता है सच कि मुझे तो वो आप बच्चों को डे वन से ट्रेनिंग ये दे रहे हो कि बेटा झूठ बोलना है ना तो कभी बताना नहीं किसी को अपने तक रखो और कर लो कर लो सब कुछ तुम कर सकते हो बस पता ना लगे किसी दैट इज हाउ यू सेव योर लाइफ अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताऊं हम इतनी बुराई कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की uh, एक चीज मैं कहना चाहूँगा इंडिया डिफेंस अमेरिका से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ उठा दो नॉर्थ अमेरिका से कैनेडा का तो मैं लगता है लोग ही बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अमेरिका से उठा दो कि आज पुलिस कुछ नहीं कहेगी वो कौन सा आवर वो फिल्म आई थी ना प्रेस्टीज नहीं नहीं नहीं

क्रॉस करेगा हुए डरेगा मैं बता रहा हूं। I know that. समझे I know that. तो वो? बन बन, बन हाँ। बाईटिंग बाईटिंग <laughs> वो क्योंकि तो डंडा बन बन वो बन गया जाएगा जाएगा क्या जगह जगह कानून खा रहा होगा तो और बता भी रहा होगा करें uh, तो आप यहाँ पर ले आओ पुलिस को बोलो भाई पुलिस आज से सारी आउटसोर्स हो चुकी है प्राइवेट हो गई जून की स्पॉन्सर्ड पुलिस सही है वो उनकी एसओपी जो उनकी स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबल मल्टानेशनल पुलिस Yeah. आप उनको छोड़ दो उनको बोलो पचास पचास हजार रुपए के जुर्माने करो, जेल में डालो लोगों को, अगले yeah. दिन सब लाइन से जा रहे होंगे, yeah. भाई सलाम थिंग इज अक्सर लोग कॉमेंट में कहते भी हैं कि यार आप इस तरह की इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बातें करते हैं द थिंग मी टू रियलाइज के दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड दिस सोसाइटी सो अगर इफ आई आई फील इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू टॉक अबाउट एंड विद एवरी गेस्ट हम लोग यूजली इस तरह के ना कोई ना कोई टॉपिक छेड़ते हैं जिसके अंदर हम लोग हम लोग लो, uh, exactly. so क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर नहीं तो पता ही हम जो हम बाहर मुल्क में रहकर आए होते हैं या रहते होते हैं, हैं ना उनके बारे में लोग कहते हैं यार पाकिस्तान के बारे में बहुत बात करते हैं इनको नहीं करनी चाहिए तुम तो वहाँ रहते हो तुम क्यों बोल रहे हो न पता है कि हम क्यों बोलते हैं हम जब वहाँ जाते हैं ना तो हम इमोशनल हो जाते हैं हम देखते हैं यार हमें यहाँ आना पड़ा यार काश हमारा पाकिस्तान भी ऐसी होता तो उन्होंने टॉकिंग अबाउट यार ये देखो ये होता वो होता तीन करोड़ की आबादी है नाइन्टी परसेंट कनेडा जो है न, उसमें कोई लोग नहीं रहते हाँ तीन करोड़ की आबादी है उनकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में है सही मेंबर है नेटो के मैंबर हैं पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं, नहीं है क्या हमारी पच्चीस करोड़ की आबादी है यार कौन सी रिसोर्स नहीं है सारे मौसम सारे पानी पोर्ट्स मौजूद मौसम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंसान ना रह सके कुछ नहीं कर पाए और इतना टैलेंटेड लोग बैठे हैं मेरे पास ऐसे लड़कों को जानता हूँ मैं तुम भी जानते होगी शाविर sure, कि जिनके पास सोलूशन हैं पाकिस्तान में किस तरह जो है वो ट्रैफिक ठीक हो सकती है टेक्नोलॉजी आईटी के सॉल्यूशंस हैं उनके पास सोलूशन था कि किस तरह से जो है वो ये खाना सही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो फ्लड विक्टम एरियाज़ हैं इनके पास सब चीज़ें मौजूद हैं मैं जब 2007 में मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी मैंने तो हमारा प्रोजेक्ट था ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग सिस्टम उसका काम यह था कि रोड में ट्रैफिक जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो उनके फुटपाथ फुटपाथ्स में जो है वो सेंसर लगे होते हैं रिफ्लेक्शन सेंसर और जिसे कहते हैं वेट सेंसर्स तो उससे ये अंदाज़ा होता कि भाई किस साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा है उस साइड के सिग्नल्स की टाइमिंग चेंज हो जाती है ठीक है ये हमने दो में बनाया था और उसमें फिर ये भी था कि भाई वो 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 वी एच लगे हुए थे सिग्नल के ऊपर तो वो जो तोड़ता था तो उसकी क्रॉस तस्वीर खींच वो बेचता था फ़ौर मेन हब पर और अगर उसमें ट्रैकर्स लगे हुए हैं तो वो रिमोटली गाड़ी ऑफ करा सकते थे अगर वो भाग रही है गाड़ी बहुत है सही है तो ये 2007 में हमने बनाया आ, हम लेकर गए सिटी सिटी गवर्नमेंट के पास कि सर हमने हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था आठ बाय आठ फुट का उसमें सब ये चीज़ें चलती हुई दिखाई थी और हमने कहा था सर हम किसी एक सिग्नल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं यू नो विल टेक इट एज अ प्रोजेक्ट तो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जब ने बड़ी चीज़ बनाई मगर उन्होंने रीज़न क्या दिया कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता उन्होंने कहा यार कोई आपको पता है कराची है भाई कोई सेंसर पे पान थूक जाएगा कोई कपड़ा डाल जाएगा आ, कोई पेंट कर अब मैंने कहा भाई आ, ये क्यों कर जाएगा यार आप मना करेंगे ना उसको आप रखेंगे ना कंट्रोल कोई होगा ना सेटअप अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी तो क्या कोई एल्फी डाल जाएगा ए, भाई क्यों डाल जाएगा यार एल्फी आप क्यों एल लाने दोगे उसको यार क्यों नहीं चेक होगा ना सही कह रहे हैं ये किस किस्म का एक्सक्यूज है अबे भाई तुझे पता नहीं पाकिस्तानियों का भाई पता है मुझे मगर कंट्रोल करो ना कंट्रोल करो एल्फी डाल जाएगा इसलिए हम पत्थरों से आग लगाएंगे ये ये बात नहीं ये ट्रू है हाँ भाई बड़े पर्सनल लेवल पे उन्होंने कहा कि ये तो, तो अच्छा <laughs> पान खा रहा हूँ बैठो मैं बहुत खुश हूँ आप लोग ये काम कर रहे हो लेकिन इससे याद आया कि कोई पानी पान पी थूक जाएगा सोचो यार तुम <laughs> टैलेंट है। और ये सिर्फ मैं नहीं। ये तो छोटा सा तो उड़ाया तो सिविल एविएशन वालों ने उसको पकड़ लिया कि ये जहाज सिर्फ इस ग्राउंड में उड़ सकता है छोटे से ग्राउंड में हमारे पास ये मसला है और मतलब वो ड्रोन से भी नहीं छोड़ रहा था यार लेकिन उन्होंने बोला नहीं हो सकता फिर एक ने अन माइन माइंड डिटेक्टिंग कार बनाई आर्मर्ड uh, कार ये बच्चे बना रहे थे अन जो खुद ही जाती थी ग्राउंड में डिटेक्ट करके पकड़ के ले आती थी माइंस तो ये इस लेवल के बच्चे मौजूद हैं एक 2007 से भी पहले छः की बात आ रहा हूँ खातन थी हमारे बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया बोलते हाथ अब उसकी बहुत वेरिएशन आ चुकी हैं एम गया दुनिया के टॉप थ्री प्रोजेक्ट्स में आया उन्होंने एक बनाया था ग्लव्स फॉर डम एंड एफ तो वो उनको पहनाते थे वो अपनी साइन लैंग्वेज में कुछ बोलते सिग्नल में कन्वर्ट करता था उसको ताकि वो आम आदमी समझ सके uh, oh, तो, और फिर मशीन थी पढ़ लेंगे तो ये दो में अब तो बहुत आगे जा चुके हैं बच्चे बताओ ना मैं लेकर जा रहा हूँ एक बंदा बोला पान फेंक देगा तो मेरा क्या मैंने पहाड़ में ठेले में बेचाम यारो प्रोजेक्ट

कोई बात नहीं चल रही है क्या अभी हाँ हाँ चल रहा है माइंड माइंड करो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ माइंड ना करें आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है मगर जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखोगे ना तो उसके साथ एक लॉजिक देना एक रीजन देना कि मैं आपका पॉइंट इसलिए अगला समझता हूँ हाँ। क्योंकि ये है और वो जो आप रीजन देंगे ना वो फैक्चुअली करेक्ट uh, हो वो सिर्फ आपके ओपिनियन में बेस्ड ना हो अब ये तो चोर है ये ना लिख देना अगर मैं चोर हूँ तो एफ आई आर दिखाना करना साथ